इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहाँ पे आज सुबह जो है 4 बजे के आसपास जो है जो आप मेरे पीछे दुकान देख सकते हो कि इसमें जो है ये जो मिलिटेंट है जहाँ बाक हुआ है रात के 1 बजे यहाँ पे महासरा चलाया गया और महासरे के दौरान ही यहाँ पे कुछ जो है फायर हुए हैं मिलिटेंट की जानिब से और यहाँ पे एक मिलिटेंट जो है ये जहाँ बाक हुआ। हालांकि अगर बात करें हम इस मिलिटेंट की ये जो मिलिटेंट है लोकल बताया जा रहा है और इसकी जो शिनाख्त है महासरा की जान जो है शिनाख्त हुई है और ये जो लोकल मिलिटेंट इसको जो है तकरीबन 8 दिन हुए है इस मिलिटेंट से जो है ज्वाइन करते हुए आज जो है ये इस इनकाउंटर में जो है ये जहाँ बाक हुआ है। आप साफ तौर से देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये जो दुकान आपको दिख रहा है इसी के अंदर जो मिलिटेंट छुपा था और अचानक जो है फौज को एक इत्तला मिली है कि इस दुकान में जो है मिलिटेंट छुपा है और फौज ने जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया और जो सर्च ऑपरेशन है बिल्कुल ही तब्दील हुआ है एनकाउंटर में। और आप सोच साफ तौर से देख सकते ये जो दुकान आप नजर आता होगा इसी के अंदर जो मिलिटेंट बैठा था और इसी में ही जो है ये मिलिटेंट जो है आज सुबह जो है जाम भाग हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूँ ये जो एरिया है शोपियन हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, 8 आलंग का एरिया है और जब जो ही फौज को ये इत्तला मिली है कि इस गाँव में कुछ मिलिटेंट की जो है छुपी होने की जो एक खबर मिली है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जो है एनकाउंटर में तब्दील। कुल मिला के बात यह है कि इस एनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट जो है जाम बाक हुआ है और ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। शायर शाद गुलिस्तान न्यूज़ शुक्रिया।